हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाली तेज पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियों के लिए भी हरियाली तेज का व्रत बहुत खास माना जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तेज की व्रत कथा और कुंवारी लड़कियाँ अगर मनचाहे जीवन साथी को पाने के लिए व्रत रखती हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। ये त्यौहार सावन माह में नाग पंचमी से दो दिन पहले मनाया जाता है। इस साल हरियाली तीज 31 जुलाई को है। 31 जुलाई रविवार के दिन पड़ेगी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने घोर तप किया था और 107 जन्म लिए थे। कठोर तप के बाद 108वें जन्म में भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है कि तभी से इस त्यौहार की शुरुआत हुई। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके हरी साड़ी, हरी चूड़ियां पहनकर विधि विधान से व्रत और पूजा करती हैं। हरियाली तीज में जहां सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, वहीं हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं योग्य पति पाने के लिए शीघ्र विवाह की कामना के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी उसके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। अगर आप भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रख रही हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मनोकामना पूर्ण हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज के व्रत में कुंवारी लड़कियों को किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े और पारंपरिक कपड़े पहनें, यानी कि हरे रंग की ड्रेस पहनें और भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर या मंदिर में शिव गौरी का विधिपूर्वक पूजन करें। संकल्प लेने के बाद अपना व्रत शुरू करें। इस व्रत में यदि आप निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं तो फिर इस दिन में पानी का सेवन ना करें। निर्जला व्रत का मतलब होता है कि पानी भी ग्रहण नहीं करना है। और अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। जो लड़कियाँ इस व्रत को सच्चे मन से, विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करते हुए व्रत रखती हैं तो मनोकामना जरूर पूरी होती है, मन चाह जीवन साथी जरूर मिलता है। इस दिन शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए और शिव पुराण का पाठ जरूर करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करें। अब मैं हरियाली तीज की व्रत कथा शुरू करती हूँ। दोस्तों, हरियाली तीज की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, क्योंकि कथा का व्रत में बहुत ही महत्व माना जाता है और इस कथा को पढ़ने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। तो व्रत कथा को ध्यान से जरूर सुनिएगा। माता पार्वती ने किया था कठोर तप। भगवान शिव जी माता पार्वती को उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर अन्न जल का त्याग करके सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे सभी ऋतुओं का कष्ट सहकर बहुत कठिन तप किया था। तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी थे।
एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए हैं और उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पिता पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराने के लिए तैयार हो गए। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सूचित किया। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने जब यह खबर तुम्हें सुनाई तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि तुम मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तब तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी एक सखी को बताई। इस पर सखी ने तुम्हें एक घनघोर जंगल में रहने का सुझाव दिया था। तुम जंगल में चली गई थी और जंगल में तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए खूब तपस्या की थी। जब तुम्हारे लुप्त होने की बात पिता पर्वतराज को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुए, चिंतित हुए और वे सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली, क्योंकि तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन थी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। इस बीच तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने अपने पिता को सारी बातें बताई। तुमने पिता से कहा कि तुमने अपना जीवन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया है और आज यह तपस्या सफल हो गई है। मैं तुम्हारे साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से कराएंगे। शिव ने कहा कि पार्वती, तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे पिता पर्वतराज मान गए और उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह कराया। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया है उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ है। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को निष्ठापूर्वक करती है मैं उसे मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को तुम जैसे अचल सुहाग की प्राप्ति हो। ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव। हरियाली तीज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।